आज के दिन जो ऑप्शंस बचे हैं देश को डिक्टेटरशिप की ओर गिरने से बचाने के, वो कम होते जा रहे हैं। मीडिया पूरा बिक चुका है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर है, सरकार चुनती है उन्हें, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज की कोई रेपुटेशन रह नहीं गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का तो सिर्फ एक डिसीजन था जो उन्होंने सरकार के खिलाफ लिया हो, लेकिन कितनी ऐसी और चीज़ें हैं, उन पर अपना प्रेशर है, तो बचा कौन यहाँ पर? बस हम और आप जैसे लोग बचे, दे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बचे, देश के नागरिक। और 2024 की ये इलेक्शन यही आखिरी मौका है हम सब के लिए वोटिंग की ताकत से देश को बचाने का, देश की डेमोक्रेसी को बचाने का। तो सीधा सीधा मैं कहूँगा कि अगर हमें देश को डिक्टेटरशिप की ओर गिरने से बचाना है तो वोट करो जाकर, और अपने आसपास के लोगों को बताओ वोट करें, उन्हें बताओ कि देश आज किस हालत में है। और एक एक व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहा है वो सोचना कि आपके पास कितनी ताकत है। अगर हम कितने 1 करोड़ लोग हैं सब्सक्राइबर्स आपके मेरे मिलाकर होंगे, उससे भी ज़्यादा हैं वैसे, लेकिन अगर हर एक इंसान अपने आसपास के 100 लोगों को बताए सच कि क्या चल रहा है, डिक्टेटरशिप की हालत क्या है, अपने आसपास 100 लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करे कि देखो देश यहाँ इस हालत में गिर जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया, तो जाकर वोट करो। वोट कैसे करना है, किसी का वोटर आईडी नहीं बनाया, उन्हें बताओ क्या करना है। तो एक एक इंसान 100 पर भारी पड़ सकता है, और ये 1 करोड़ लोग सभी 100 करोड़ लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पर इतना भरोसा है कि आप सोशल मीडिया पर नहीं, देश के नागरिकों पर इतना भरोसा है, जो हम लोगों को देख रहे हैं आज के दिन लोग, उन पर इतना भरोसा है। आपको यंगस्टर्स बहुत देखते हैं, ये तो एनालिटिक्स यूट्यूब ही बता देगा। हम लोग ये बात भी करते हैं कि कैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को व्हाट्सएप ऑलरेडी खा चुकी है, क्योंकि वो व्हाट्सएप देख देख के उनका दिमाग और भेजा फ्राई हो चुका है। लेकिन यंगस्टर से आशा कर सकते हैं, एक ह्यूज चंक ऑफ यंगस्टर्स इस बार वोट करने वाले हैं जिन्होंने ना मेनस्ट्रीम मीडिया कभी देखा है, वो व्हाट्सएप यूट्यूब ट्विटर इंस्टाग्राम देखकर ही बड़े हुए हैं। उनसे ज्यादा आशा है या उनसे कम आशा है? कोई एज की लिमिटेशन नहीं है, कोई जेंडर की लिमिटेशन नहीं है, कोई धर्म की लिमिटेशन नहीं है। जो लोग इस हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, जिस इंसान को देश की परवाह है उसे ये एक्शन लेना चाहिए, उसे देश उसे डेमोक्रेसी का सिपाही बनना चाहिए। एंड वोटर को फिर क्या देखना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देशभक्त पर तो हम कभी किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट या अपोज नहीं करते हैं, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या वोटर को क्या फिर देखना चाहिए? सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए कि डिक्टेटरशिप को आने से रोकने के लिए क्या करना है देश में। जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सबसे पहली स्टेप ये है अब यहां पर, और सबसे क्रिटिकल स्टेप है ये। उनसे क्या कहना चाहोगे जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, बहुत सारे अंकल भी हैं जो ड्राइंग रूम में बैठकर कहते हैं कि डिक्टेटरशिप अच्छा है, देश चलेगा, ट्रेन टाइम पर चलेगा। मैं उन्हें कहूंगा कि एक बारी अपने मन से इस बात को निकाल दो कि नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छे हैं, वो ये करते हैं, आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं उन्हें एक बारी अपने दिल से निकाल दो और सच्चे दिल से चीज़ों को देखने की कोशिश करो, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से कि क्या हो रहा है, जो फैक्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं, जो इवेंट्स आपके सामने हो रहे हैं, किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, किसी के अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, क्या ये सही हो रहा है? मुझे नहीं लगता कोई भी सच्चे दिल से इस चीज को देखकर कह सकता है कि ये सही हो रहा है।